क्या आपने ऐसे कोई वीडियो देखा है YouTube पर जिसे अच्छी खासी व्यूज और लाइक्स मिला है और डिसलाइक्स अभी भी जीरो है? मेरा कहने का मतलब है जिसे एक तरफ मोस्ट डिसलाइक्ड YouTube वीडियो इंडिया में बन गया है, क्या जीरो डिसलाइक वाला भी वीडियो हो सकता है जिसमें अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज मिले हों? जब मैंने सर्च किया ऑल ओवर YouTube तो सब एक यही बात बोल रहे थे। Is there a YouTube video with no dislikes? There is no famous video by famous YouTubers that has zero dislike. तो तुम लोग zero dislikes देखने आए हो। चाहे टाइटल में कुछ भी लिखा हो, चाहे थंबनेल कैसा भी हो, पर तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि ऐसा हो सकता है, खासकर इंडिया में? अरे दिमाग चकरा गया क्या? मेरे हिसाब से तो पूरी YouTube पे ऐसे कोई भी वीडियो नहीं होगी जिसपे एक भी डिसलाइक ना हो। लेकिन ये रिकॉर्ड हमारे टीम अर्मालियंस चैनल ने किया है। YouTube पर खास करके इंडिया में ऐसा नहीं दिखाई देता और हमने बहुत रिसर्च करके देखा, ऐसा कोई वीडियो नहीं अभी तक अच्छी खासी सब्सक्राइबर्स और व्यूज के साथ जीरो डिसलाइक्स हो। यह एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू टीम अर्मालियंस एंड ऑल द टीम सब्सक्राइबर्स। आप सबके प्यार के वजह से ये रिकॉर्ड बन पाया है। तो ये ऑफिशियली जीरो डिसलाइक्स वीडियो बन चुका है और हर कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। बट हम यहाँ ये शो नहीं कर सकते कौन सा वीडियो, क्योंकि अगर बता दिया तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जाकर डिसलाइक करेंगे। बट इफ़ यू आर एन अर्मालियंस देन यू शुड बी प्राउड एंड हैप्पी फॉर टीम अर्मालियंस। And please do share this to everyone out there. The team did a big record and this is the love for Arman, Amal and Team Armalians. And a special update here ki Arman Malik again a new English song likh rahe with one and only Natania, jinke saath Control aur Next to Me song kiya tha. And congrats for 5 months of Control, Arman and Natania's debut baby song. And Arman ने एक streaming party announce किया है Control और Next to Me के लिए, जो आज start हो गया। You can join और जानने के लिए live video देख सकते हैं, link in description. मैंने फिर अपनी पूरी एल्बम डिजाइन करी है। तो म्यूजिक प्रोड्यूसर एल्बम का नाम था इंटरनेशनल विलेजर, 2011 में रिलीज हुई थी। जी हाँ।